नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 9 है, और इसमें दोस्तों 2018-19 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा पहली बार रंगीन एक्सरे की खोज की गई? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा कर दिया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस्पात मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिनॉय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIMSTEC के नए अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिच बांचे कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में कृष्ण कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व किस अन्य देश के मध्य हाल ही में रेल लाइन सर्वे पर समझौता हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2018 में अमित पंघल ने गोल्ड मेडल जीता था, वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पानी के सबूत की पुष्टि की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर BK मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में हाथी रिजर्व घोषित कर दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य को हाथी रिजर्व घोषित कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिलों के निर्माण हेतु विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में जो 3 नए जिलों के निर्माण के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई गेम 2018 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, रिकाको इकिको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस बैंक के द्वारा हाल ही में शिक्षा ऋण के लिए सब्सिडी पोर्टल शुरू किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी के पहले हाईटेक क्रूज अलकनंदा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में USIBC ने अपना पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे HAL कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, R. माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं व पुरुषों को समान वेतन देने के लिए कानून स्थापित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती थी उनमें रिजर्वेशन था, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने प्रवासी पेंशन योजना का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से केरल के तट पर सुरक्षा का अभ्यास किया गया, वह है ऑप्शन बी, सागर कवच। तो दोस्तों, ये थे आज हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है पार्ट 9, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।